नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजधानी भोपाल के शाहजहानाबाद रामनगर कॉलोनी में नलमैन कर्मचारी पानी की बर्बादी कर रहे हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान निवासी शेख दुलारे ने बताया कि कॉलोनी में हर दो चार दिन में इसी तरीके से पानी बहता है। यहाँ पर कोई नगर निगम ध्यान नहीं देती। नलमैन लाइन चालू करके हर दो चार घंटे के लिए लापता हो जाते हैं। वही पानी इसी तरीके से बहता रहता है और नगर निगम नलमैन पर कोई कार्रवाई नहीं करती। ये पानी साहब, ये कम से कम 3 घंटे हो गए इसे फेंकते हुए, और यहाँ बहुत गंदगी हो रही है रोड पे, और पूरा रोड उखड़ा पड़ा है। यहाँ नगर निगम ध्यान दे रही, नहीं दे रही, कोई नगर निगम नहीं आती जहाँ, और नगर निगम की गाड़ी निकलती है, सब देख के चली जाती है इधर। पानी कम से कम कितना ये टाइम से हो रहा है, ये हर एक दो दिन बीच होता रहता है इसका पानी। मतलब अपनी जी हर बार हाँ होती रहती है पूरा, जहाँ से लेके आप मान के चलना दूध की डेयरी से लेके यहाँ तक पूरा ये झरिया तक पूरी गंदगी रहती है। आपने अभी तक कोई कंप्लेंट की है? कंप्लेंट साहब क्या करें, कंप्लेंट कोई करते ही नहीं है यहाँ। आपका विधायक साहब भी निकल चुके हैं यहाँ से, सब विधायक के सब भाई भी निकल चुके हैं यहाँ से। जहां एक और वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन रतलाम जिले में एक अलग ही मामला देखने को आया। रतलाम निवासी प्रेम पंड्या ने वैक्सीनेशन के लिए एक स्लॉट बुक किया था, जहां रतलाम में वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं थी। वैक्सीन तो लगी नहीं और शाम को मैसेज आया कि आपको टीका लगाया जा चुका है, आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लें। सोचने वाली बात है कि जब आम आदमी को टीका लगा ही नहीं तो फिर सर्टिफिकेट कैसे जारी किया गया। सर, मैंने 6 तारीख के लिए स्लॉट बुक किया था, लेकिन मैं 6 तारीख को किसी कारण से वहाँ जा नहीं पाया सेंटर पे, पर फिर भी शाम को मेरे पास मैसेज आ गया कि भाई आपका जो वैक्सीनेशन है वो कम्प्लीट हो गया है और आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लीजिए। फिर मैंने इस बात का डाला फेसबुक पर कि भाई ऐसा सा हो गया है, तो 8 तारीख के दिन फिर खुद जा कर के वहाँ मैंने नया रजिस्ट्रेशन करवाया और मैंने वैक्सीन लगवा लिया। क्या किसकी फॉल्ट मानते हैं ये, क्या कैसे हो सकता है? सिस्टम भी फॉल्ट है सर, भाई टेक्निकल फॉल्ट समझें या कुछ भी समझें, आखिर भाई मैं गया नहीं और मेरे पास सर्टिफिकेट आ गया, ऐसा कितने वक्त हो गया मालूम नहीं भाई। मैं तो अलर्ट था, एसटी में मालूम पड़ गया मेरे को कभी ऐसा हो गया ना सर। पन्ना में कोरोना के अलावा अन्य चिकित्सीय सेवाओं के अभाव में बलहाल है, ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अजयगढ़ में, जहां दो दो एक्सरे मशीन होने के बावजूद एक्सरे की सुविधा क्षेत्रीय लोगों को नहीं मिल पा रही है। आपको बता दें कि अजयगढ़ की एक्सरे मशीन धूल खा रही है। दरअसल अजयगढ़ अस्पताल में कई वर्षों पहले एक्सरे की सुविधा थी और यह निरंतर जारी रही, लेकिन 2016 में एक्सरे मशीन के ऑपरेटर रिटायर होने के बाद यहां किसी ऑपरेटर की नियुक्ति नहीं हुई, तभी से यह मशीनें बंद हैं। मुझे जैसा मालूम पड़ा कि एक्सरे मशीन है लेकिन ऑपरेटर ना हो पाने के कारण शायद मशीन बंद पड़ी हुई है, लेकिन भविष्य में इन सब चीज़ों को हम चालू रखने की हालत में जो भी हमें करना पड़ रहा है या शासन जो कर रही है, क्योंकि अब स्टाफ का भी रिक्रूटमेंट हो रहा है, जो हमारे डॉक्टर्स की कमी है उनका भी रिक्रूटमेंट हो रहा है, कुछ हमारे PSCs और इसको CSCs को भी अब अपग्रेड करने की बात चल रही है। हम भी चाह रहे हैं कि हमारा जो अजयगढ़ का हॉस्पिटल है अब वो एक सिविल हॉस्पिटल का रूप धारण करे। हम ये भी चाह रहे हैं कि हमारा जो धर्मपुर है वो हमारा CSC का हमारा रूप धारण करे। तो इसलिए हम जहाँ ऐसे हमारे जो PSCs हैं उनको भी हम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम इन सब कामों में लगे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि 21-22 में जो भी सरकार की तरफ से रिक्रूटमेंट होंगे उसमें हम पदों की भी पूर्ति करेंगे और जो ऑपरेटर नहीं है जिन कारण से मशीन बंद पड़ी हैं उनको भी हम चालू कराएंगे। हमारे अजयगढ़ स्वास्थ्य केंद्र में कई वर्षों से एक्सरे मशीन की कोई सुविधा नहीं है, पुराने ऑपरेटर रिटायरमेंट होने के कारण आज भी वो मशीन कबाड़ के रूप में डली हुई है, कोई नया ऑपरेटर आज तक नहीं आ पाया है, जिसके कारण कोई भी छोटी मोटी दुर्घटना या कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो अजयगढ़ से 35 किलोमीटर दूर पन्ना जिला हमको एक्सरे मशीन एक्सरे कराने जाना पड़ता है। मध्य प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया 2 दिवसीय भिंड दौरे पर हैं, जहां ग्रामीणों के द्वारा सहकारिता मंत्री का भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया ने कन्या पूजन किया, करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया, जिसमें आज अटेर क्षेत्र के आधा दर्जन से अधिक गांवों में करोड़ों रुपए की लागत की योजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया। साथ ही भदौरिया ने कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन कराने की अपील की है। वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं से जो भी गांव वंचित हैं उन सभी के लिए सरकार प्रयास कर रही है। वहीं कहा कि जो भी इसमें लापरवाही या भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
तो ऐसे सभी जगह जाके जो विकास कार्य हुए हैं उनका लोकार्पण हो जाए, नए होने वाले उनका भूमि पूजन हो जाए और थोड़ा कोरोना का वैक्सीनेशन लग जाए अधिकतम। मूल रूप से हमारे इस उद्देश्य की दृष्टि से मैं अभी विधानसभा के हर पंचायत में चला जाऊंगा, जैसे अभी दो दिन का है क्योंकि 3 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस है, तो सीएम के साथ एक कार्यक्रम नहीं तो मैं 5 दिन का बनाया था। तो ऐसे करके मेरी इच्छा कि मध्य प्रदेश में अटैच विधानसभा में जैसे 10 विधानसभाएं पूर्ण टीका युक्त हो जाए उसमें हमारी विधानसभा भी हो जाए, इसके लिए मैं विनम्र प्रार्थना भी करता हूँ, आग्रह भी करता हूँ, क्योंकि इसका अकेला कोई वास्तव में निदान है तो वो वैक्सीनेशन है। सीधी जिले के जमोड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम पड़खुरी में एक ओवरलोड ट्रैक्टर ट्राली अचानक पलट गया, जिसके चलते घटनास्थल पर ही चालक की मौत हो गई। ग्रामीणों के अनुसार यह हादसा सुबह 7 बजे हुआ, जिसकी सूचना तत्काल ही जमोड़ी पुलिस ने मृतक के परिजनों को दी गई। सूचना के करीब 3 घंटे बाद पुलिस और मालिक पहुंचे, जिसके कारण परिजन और ग्रामीणों का विरोध शुरू हो गया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि वाहन मालिक ने दबंगई के चलते पुलिस के आने से पूर्व ही ट्रैक्टर ट्राली को हटवा दिया, उस ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं है। ग्रामीणों ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। नहीं गा बड़े भोरे गा ठाकुर सेंगर जगन्नाथ सिंह तो कब बैठा है दिन लग जाता हाँ साहबान लड़का है आई है तमाशा उनके है। पुलिस वाले कोई वहाँ जांच नहीं करते, न DI न SP न कलेक्टर, दमदार है। प्रदेश के शाजापुर जिले के मक्सी थाना क्षेत्र का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां खेरखेड़ी गांव के जंगल में एक युवक की अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से गला रेत कर जघन्य हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही मक्सी पुलिस और FSL की टीम ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक युवक की शिनाख्त हीरालाल गांव भदोनी के रूप में हुई है। इस हत्या के मामले में मक्सी पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर में एक महिला ने गुस्से में अपना ही सुहाग उजाड़ लिया। पति की मारपीट और प्रताड़ना से तंग महिला पति के साथ मायके में रहना चाहती थी। पति के मना करने पर उसने गुस्से में कपड़े धोने की मोंगरी से वार कर पति को मार डाला। लोगों को आत्महत्या लगे इसलिए उसने फांसी के फंदे पर लटका दिया और पति की मौत के बाद सदमे में जाने का नाटक भी किया। हत्या के 28 दिन बाद शातिर पत्नी के चेहरे से पर्दा उठ गया। जब पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने वारदात करना कबूल किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस डिटेल में उसे पूछताछ कर रही है। थाना बौड़ापुर इलाके में एक लाश मिली थी घर पर, उसमें 2 तारीख को मर्ग पंजीबद्ध किया गया। मर्ग की इन्वेस्टिगेशन के दौरान साक्षियों के कथन आए और PM रिपोर्ट आई। मृतक की पत्नी पर शक था कि उसी ने उनकी हत्या की है। मृतक के बच्चे और मृतक के भाई ने ये बयान दिए कि हमें पूरी तरह से शक है कि मृतक की हत्या उसकी पत्नी ने की है। जांच पर से पाया गया कि पति पत्नी में झगड़ा होता था, पति शराब पीता था। घटना दिनांक को पति ने मारपीट की पत्नी की और उसी मारपीट के जवाब में पत्नी ने सिर पे कपड़े धोने की मोगरी से वार कर दिया, तो हेड इंजरी के कारण मृतक की मृत्यु हुई। पुलिस ने 302 पंजीबद्ध कर लिया है। चूँकि मृतक की मृत्यु के बाद पत्नी ने उसे फांसी पर लटका दिया था और घटना को एक तरह से आत्महत्या का रूप दिया था, पुलिस ने प्रथम दृष्टया 302-201 का प्रकरण पंजीबद्ध करके जांच कर। विदिशा के गंज बसौदा के सिटी कोतवाली थाना में 80,000 की लूट का मामला प्रकाश में आया। इस घटना को अंजाम किसी शातिर लुटेरों ने नहीं बल्कि 2 नाबालिगों ने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस द्वारा प्रारंभिक जांच करते हुए CCTV खंगालने पर CCTV के आधार पर पुलिस ने नाबालिग नाकाबंदी कर दोनों नाबालिगों को खोजने में जुट गई है। ग्वालियर में मौजूद रक्षा अनुसंधान एवं विकास स्थापना शिफ्ट करने की कवायद शुरू हो गई है। बता दें जिला प्रशासन ने DRDO को 140 एकड़ जमीन से अतिरिक्त हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। वहीं प्रशासन पुलिस और निगम के अमले ने 90 से ज्यादा मकानों को जमींदोज कर दिया है। जानकारी अनुसार जब प्रशासन की टीम वहां पहुंची तो स्थानीय लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। SDM पुष्पा पुशाम के मुताबिक ये लोग पहले से ही सरकारी जमीन पर कब्जा करके कर रहे हैं, इसलिए इनसे मुआवजा नहीं दिया जा रहा था।
ये डांग महाराजपुरा गांव है, इसमें शासन की तरफ से डीआरडी को जो ज़मीन आवंटित हुई थी उसमें लगभग 5 बीघा ज़मीन पे कच्चे मकान बना के अतिक्रमण किया था, तो उसमें विधिवत कार्रवाई की जाके उनको बेदखल किया था और उनको बराबर सूचना भी दी थी कि आपको अतिक्रमण हटाने की सूचना भी दी थी उनको, उसी क्रम में फिर आज सुबह कार्रवाई की जा रही है। कितने मकान तोड़े जा रहे हैं? उसमें 45 तो लगभग पक्के हैं, तो बाकी फिर झोपड़ी बना के या बाउंड्री वॉल बना के इस तरीके से उन्होंने अतिक्रमण किया, उसी को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। हाँ, इस शासकीय जमीन है, मैंने आपको बताया कि DRD को आवंटित हुई है और वो उसी क्रम में हमें इसको हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। ये DRDO के लिए ज़मीन आवंटित की गई है शासन द्वारा, जिस पे करीब 80 मकान कच्चे और पक्के बने हुए हैं, इनको हटाने की कार्यवाही आज पुलिस और प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही है। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।